love you! धन्या! I love you! धन्या! I love you! धन्या! नीम का थाना को प्रस्तावित जिला बनाने के लिए नीम का थाना में झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा को जोड़ने के प्रस्ताव के विरोध में अब उदयपुरवाटी क्षेत्र के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। आई लव यू झुंझुनू कहते हुए उदयपुरवाटी को नीम का थाना में जोड़ने का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर उदयपुरवाटी जन संघर्ष समिति की ओर से उदयपुरवाटी में युवाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय तक पहुंचे, जहां युवाओं को संबोधित करते हुए दिनेश ओलखा, अनुपम चौधरी, अंकित ओलखा सहित अन्य लोगों ने कहा कि झुंझुनू जिला हमारी आन बान शान और पहचान है। उदयपुरवाटी क्षेत्र के लोगों को झुंझुनू जिले से हटाकर किसी दूसरे प्रस्तावित जिले में जोड़ना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा किया गया तो उदयपुरवाटी क्षेत्र का प्रत्येक युवा सड़कों पर होगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम SDM राम सिंह राजावत को ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में कुलदीप कटारिया, विनय सैनी, कमल डांडिया, मूलचंद डोई, कमलेश खडोलिया, समदर सैनी, विजेंद्र भास्कर, जूली, विकास, अशोक, राहुल बंटी, कैलाश, अंकित ओलखा, हितेश अग्रवाल, सुरेंद्र सैनी, हेमंत स्वामी सहित अन्य युवा शामिल थे। ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए बताना चाहता हूँ कि पूर्व विधायक ने कल परसों कहा था कि अगर ये हमारी उदयपुरवाटी तहसील को नीम का थाना में जोड़ा जाता है तो हम आत्मदाह करते हैं। आत्मदाह सबसे पहले मैं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक से कि आत्मदाह करने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच में जाओ, जनता को बताओ, लोगों को जागरूक करो और इसके लिए एक जन आंदोलन करो। आप होटलों में बैठ के कह देते हो कि मैं आत्मदाह करूंगा, रोडों पर उतरो। और कल हमारे राज्य मंत्री जी का बयान आया, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मौसमी बारिश और कुछ नहीं। तो इतना बड़ा अखबार भास्कर में ये खबर छपी है कि जयपुर ये कमेटी इन्होंने फैसला कर लिया है कि भाई उदयपुरवाटी को नीम का थाना जिला में जोड़ा जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हमें गुड्डा को जिला बना दूंगा। भाई गुड्डा को आप राज्य बना दो, मुख्यमंत्री बन जाओ आप आगे। लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? सड़कों पे उतरो, हमारी भावनाओं को सम्मान करो, करना इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि आप दोनों वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों को मुक्की खानी पड़ेगी। ये जनता आपके आप लोगों के झूठे बहकाव में आकर गुमराह होने वाली नहीं है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। जो फालतू की बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं उन वो हमारी कान खोल के सुन ले। जिनको संघर्ष समिति में आना है, उदयपुरवाटी को बचाना है, उदयपुरवाटी वैसे भी बचाएगा क्योंकि हमारे युवा बहुत ही भयंकर तरीके से इस मुहिम में लगे हैं। उदयपुरवाटी को हम बचा के रहेंगे। जिनको आना है वो रोडों पे आए। फालतू बयानबाजी कोई भी कमरे में बैठ के बयानबाजी न करें। ये हमारी उनसे अपील है और हिदायत है, क्योंकि अगर ऐसे ही बयानबाजी आपकी चलती रही तो आपका पार्षद बनना, पंचायत समिति सदस्य बनना, जिला परिषद सदस्य बनना, आपका विधायक बनना, प्रधानी बनना, ये आपका सपने का सपना रह जाएगा। आज ये जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री महोदय के नाम इसलिए दिया गया है कि नीम का थाना जो जिले का गठन हो रहा है उसमें हमारी जो विधानसभा है, क्षेत्र है उदयपुरवाटी, इसको शामिल किया जा रहा है। पूर्व विधायक जी का बयान भी आया था और अभी कल मंत्री जी का बयान आया है कि ये बारिश से पहले की बूंदे हैं। तो मंत्री जी से भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जनता का साथ दें। जनता ने आपको चुना है, आपने जनता को नहीं चुना। और अभी ये जो नीम का थाना में उदयपुरवाटी को शामिल करने की बात है, ईंट से ईंट बजा देंगे, उदयपुरवाटी को कभी नहीं जाने देंगे। और आज ये उदयपुरवाटी बचाओ जन संघर्ष समिति का हमने एक बैनर के नीचे ये ज्ञापन दिया है और उदयपुरवाटी जन संघर्ष समिति का विस्तार करेंगे। गांव गांव ढाणी ढाणी तक जाएंगे, गाँव में मीटिंग करेंगे, बड़े लेवल पे इसको लड़ना पड़ेगा। जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो हम लड़ेंगे, हर भरकम प्रयास जो भी करना पड़े करेंगे। बहुत कि नीम का थाना जो नया प्रस्तावित जिला है उसमें उदयपुरवाटी को मिलाया जा रहा है, तो मैं नीम का थाना जिला बनाने वालों से कहना चाहता हूँ कि आपके नीम का थाना में इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी हमारी उस उदयपुरवाटी बचाओ जन संघर्ष समिति में कार्यकर्ताओं की संख्या है। आप का ये सपना अधूरा रह जाएगा और झुंझुनू एक ब्रांड है, ये आपसे झेला भी नहीं जाएगा। बहुत बड़ा नाम है ये और उदयपुरवाटी को तो भाया बहुत तातो काम है कि उदयपुरवाटी ले जार थे, झूठो काम मत करो, तारा भी कल्डी पड़ सके यार। हमारी मांग ये है कि जो वर्तमान में लोया कमेटी के निर्देशन में जो नए नीम का थाना जिला का जो निर्माण किया गया है उसमें उदयपुरवाटी को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि झुंझुनू जिले से हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान और झुंझुनू जिला हमारी जान है। हमारे पूर्वजों का हमारा झुंझुनू जिले से बहुत ही स्नेह रहा है और जो हमारी सांस्कृतिक और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो दोनों ही झुंझुनू जिले से अलग हैं। तो हम कतई भी किसी भी सूरत में झुंझुनू जिले को छोड़कर नीम का थाना जिले में विलय नहीं होना चाहते। और जो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पूर्व विधायक बोलते हैं होटलों में बैठकर ये बयान देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे, ऐसे नहीं चलता। लोगों के बीच आना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, तब जाके कहीं मांगे मानी जाती है। और वर्तमान मंत्री
साहब जो कल शाम को बयान दे रहे थे कि ये तो मौसम के पहले की बुआर है, बारिश है, जो भी है, तो मैंने उनको अखबार की रिपोर्ट दिखाई है और अखबार में भी बाकायदा छपा है कि लोहिया कमेटी ने ये जो जांच की है ये करके आगे भिजवा दिया है परिसमन के लिए। तो मैं मंत्री साहब को भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आने वाले चुनाव में जब आप धरातल पे आओगे जनता के बीच, तब इसका सामना आपको करना पड़ेगा। गांव गांव जाएंगे, गांव ढाणी के लोगों को जागृत करेंगे। और आज हम हजार लोग आए हैं, जरूरत पड़ी तो आगे 10,000 लाख लाखों की संख्या में इकट्ठा होके, लेकिन किसी भी सूरत में हम नीमका थाना में विलय नहीं होंगे। इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। पूर्व विधायक ने बयान दिया था कि इन्हें उदयपुर वाटी और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको नीमका थाना में शामिल कर लिया जाए, उनको कोई एतराज नहीं है। नहीं, उनके एतराज से क्या होगा, उनके हिसाब से थोड़ी ना होगा। उदयपुर वाटी, संपूर्ण उदयपुर वाटी के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी जनभावनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। ऊपरी बेल्ट निचली बेल्ट क्या होता है, सभी लोग एक समान है, पूरी उदयपुर वाटी एक है।